लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक उथल पुथल बढ़ गई है। भिंड जिले से आने वाली भाजपा के कद्दावर नेता संजू जाटव ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इस सदस्यता कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ स्वामी वैरागीनंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा भी उपस्थित थे। संजू जाटव ने कहा कि वह भाजपा में जब थी तो उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए वे कांग्रेस में आई है। वह कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। वही स्वामी वैराग्यनंद गिरी महाराज उर्फ मिर्चू बाबा ने कहा कि आने वाली 28 तारीख को वह शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार के एक और घोटाले को जनता के सामने लेकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। एक अच्छा उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि मेरे साथ मैं बीजेपी में थी, जिला मंत्री थी और मैंने पूरे मन से कार्य किया, पर पार्टी में मेरा सम्मान नहीं हुआ क्योंकि मैं 2 साल से अभी घर बैठी हुई हूँ। किसी भी कार्यकर्ता के रूप में भी मुझे नहीं बुलाया जाता, कभी कोई कार्यक्रमों में इनवाइट नहीं किया जाता, मुझे नहीं समझा जाता इस लायक कि मैं उस पार्टी में काम कर सकूँ। और मैं जब जनपद अध्यक्ष रही भिंड से, तो मेरी पार्टी के द्वारा ही मेरा नुकसान कर दिया गया, यानी कि मेरा अविश्वास करा दिया गया, तो इसलिए मुझे नाराज़गी थी उस पार्टी से। फिर भी मैंने 2 साल रहकर इंतजार भी किया कि शायद कोई आए, मुझे समझे, मुझे बुलाए, पर किसी ने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं पार्टी की सेवा करूँ, तो इसलिए मैंने पार्टी त्याग किया। किन मांगों के साथ कांग्रेस में आई हैं? देखिए, कोई मांग नहीं होती समाज सेवा के लिए, कोई मांग नहीं होती। हमारा मन है, हमारा हार्दिक इच्छा है कि मैं गोहद से विधानसभा की तैयारी करूं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज कमलनाथ की मध्य प्रदेश को ज़रूरत है। वो ज़रूरत इसलिए है कि पग पग पर आप देख रहे होंगे, घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला करते चले आ रहे हैं। और करने के बाद में आपने सुन लिया है कि भारत की वो नारी हैं जिन्होंने बीजेपी में अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है, और जो बड़े बड़े लीडरों की छत्र छाया में आई, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई भी विचारधारा नहीं है। ऐसे लोग बीजेपी से त्रस्त हो गए हैं और परेशान हो गए हैं, और बीजेपी के गद्दावर से गद्दावर अभी कांग्रेस में आ रहे हैं और आएंगे। और उसके बाद आज आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं, मैं 28 तारीख को एक पत्रकार वार्तालाप कर रहा हूं, उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक बहुत बड़ा घोटाला करने जाऊंगा और आप सभी के सामने रहूंगा। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।